सोलन के कंडाघाट में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक एक रेस्ट हाउस में काम करता था, जो रात को सोया लेकिन सुबह उठ नहीं पाया और जब उसके साथ रह रहे अन्य सहयोगियों ने पाया कि वे युवक क्यों नहीं उठ रहा है तो उन्होंने आनन फानन में उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि युवक की मृत्यु होने की खबर उन्हें अस्पताल से मिली तो उनकी टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि युवक नेपाली मूल का है, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष की है। इस मौत के क्या कारण होंगे ये पता शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही लग सकता है। लगभग 9:30 बजे के आसपास हमें थाना कंडाघाट में हॉस्पिटल कंडाघाट से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का है जिसका नाम करण है और नेपाली मूल का है, उसको हॉस्पिटल लाए थे लेकिन वो ब्राउट डेड है। इस पे हमारा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो हॉस्पिटल में गया था तो ये पाया गया कि इस लड़के का नाम करण है, नेपाली मूल का है, 18 ईयर्स ओल्ड है और यहाँ पे एक भोजनालय में ये काम कर रहा था पिछले 10-15 दिन पहले। उसके मालिक ने बताया है कि ये आया है उनके पास और नाइट में इसकी कुछ तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे इसकी ही वॉज ब्राउट डेड। इसमें उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन 174 CRPC के तहत चल रही है।